हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज जो है मैं आप लोगों को AIPGT का जो फॉर्म आ गया है, ठीक है, उसको फिलअप करते हुए कौन से बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और वो गलती बिल्कुल ना करें, ठीक है, जो मैं बताने वाला हूँ कि अधिकतर जो बच्चे हैं, ठीक है, वो मेरे लिए फॉर्म फिलअप करते वक्त ये जो गलतियाँ कर देते हैं और जिसकी वजह से बाद में काउंसलिंग वगैरह के दौरान उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो वो आपके साथ ना हो इस वजह से इसको प्रॉपर देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फीस यहाँ पे अपन देख लेते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, तो जर्नल और OBC के लिए 2700 रुपये, जर्नल EWS वालों के लिए 2450 रुपये, SC ST और फिजिकली जो चैलेंज्ड जो पीपल्स हैं उनके लिए 1800 रुपये, और थर्ड जेंडर के लिए आपका 1800 रुपये। तो ये जो है आपका जो फॉर्म का जो फीस है वो आपका डिसाइडेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका, तो देखो अगर कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन डेट कब तक है, तो 26 जून से लेकर के आप जो है 28 जून तक जो है करेक्ट कर सकते हो। और एडमिट कार्ड कब आएगा वो तो आप लोगों को बाद में पता चलेगा। एग्जाम डेट यहाँ पे क्लियर है कि 31 जुलाई को होना है एग्जाम, और बाकी आप लोगों को पता है कि 2 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। इसके अलावा टाइमिंग भी आप लोगों को पता है, मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, 10 AM से लेकर के 12 PM तक आप लोगों का मेनली जो है एग्जाम होगा। और ये जो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ठीक है, ये साइट को ध्यान रखिएगा कि www.nta.ac.in, ठीक है, या फिर आपका AIPGT.nta.nic.in, ठीक है, ये आपका सेकेंड जो लिंक है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्योंकि अगर कुछ भी एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करना है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपका ये इसी लिंक के ऊपर आएगा, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो सीधा अपन आते हैं कि फॉर्म को फिलअप कैसे करेंगे। तो बेसिकली फॉर्म को फिलअप करने के लिए 3 स्टेप बताए गए हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्म को फिलअप करने के लिए मेनली 3 स्टेप बताए गए हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको क्या है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है उसके लिए आपको एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है, और एक आपका मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है, जो आपका चालू हुआ। अधिकतर बच्चे यहाँ पे पहला ही चीज़ में बहुत गलती कर देते हैं। कई लोग ऐसा ईमेल आईडी दे देते हैं जो आपका चलता नहीं है, ठीक है, या पासवर्ड भूल गए हैं, तो ऐसा ईमेल आईडी बिल्कुल मत देना, या फिर ऐसा मोबाइल नंबर भी मत देना जो आपका चालू ना हो, ठीक है, या फिर बाद में उसका बंद होने के चांसेस हो, क्योंकि ये आपका काउंसलिंग तक पूरा काम आने वाला है, ठीक है, एग्जाम से लेकर के पूरा काउंसलिंग तक। तो ये चीज़ का मेनली ध्यान रखना, ठीक है, जो चालू हो, जो ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड आपको याद हो, ठीक है, और मोबाइल नंबर जो चालू हो वो आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले देना है, ठीक है, ये पहला स्टेप में आपको ध्यान रखना है। अब सेकंड स्टेप में क्या है कि जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, तो आपको जो है ईमेल आईडी, आपका जो पासवर्ड वगैरह है, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो नंबर है वो सब चीज आपको प्रोवाइड हो जाएगा। फिर आपको क्या है, फॉर्म को पूरा डिटेल भरना पड़ेगा। तो आप जब फॉर्म फिलअप करते रहोगे उस दौरान कुछ जो है चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मान रहा हूँ कि आप कैफे वालों के पास जाओगे, ठीक है, उसको फिलअप करने के लिए बोलोगे, बट ये आपको याद रहना चाहिए ताकि वो गलत ना भरे, ठीक है, क्योंकि आपका फॉर्म है तो आपको ये सब चीज़ नॉलेज होना चाहिए। तो आपको एप्लीकेशन नंबर याद होना चाहिए, वहाँ पर एप्लीकेशन जो आपका नंबर है वो आपको ध्यान रहना चाहिए। इसके अलावा आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज जो फोटो है, ठीक है, वो अपलोड करना है, जो 10 से लेकर के 200 KB के बीच का होगा। और ये चीज़ ध्यान देखना कि जो आप पासपोर्ट साइज जो फोटो आप अपलोड करो उसका जो बैकग्राउंड हो वाइट में हो, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद में आप जब सिग्नेचर करोगे तो उसका जो आपका बनेगा, ठीक है, वो आपका 4 KB से लेकर के 30 KB के साइज का रहेगा। और जिन लोग PW के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उनको क्या है, वो उसका सर्टिफिकेट भी जो है अपलोड करना पड़ेगा, जो आपका 50 से लेकर के 300 KB के बीच में होगा, ठीक है। और ये सारे को क्या है, आपको PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। फिर आपका ये 2 स्टेप कंप्लीट हुआ, तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, मेनली आपको फाइनल पेमेंट करना है। तो जब भी आप, जैसे भी आप पेमेंट करोगे, यहाँ पे दिया गया है, नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, UPI हो गया, जब भी आप पेमेंट करोगे, ठीक है, तो उसका जो है आप प्रूफ जो है वो आपको रखना है, उसका प्रिंट आउट निकाल के जरूर रखना, ठीक है। तो आप ये 3 स्टेप को एक साथ भी कर सकते हो या फिर धीरे धीरे करके भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। आपको धैर्यवान होकर के सभी चीज़ों को फोकस करते हुए सारे क्लियर जो चीज़ें हैं उनको आपको फिलअप करना है। देन क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। फिर आपको जब आप पूरा फॉर्म फिलअप कर लोगे तो उसके बाद में 5th नंबर में बोला गया है कि आपको जो है प्रिंट आउट मिलेगा। उस प्रिंट आउट को आपको प्रॉपर संभाल करके रखना है, तब तक जब तक कि आपको जो है सिलेक्शन ना हो जाए, प्रॉपर उसको प्रिंट आउट को संभाल के रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों का पेमेंट हो जाता है, पेमेंट होने के बाद में क्या है, उन लोगों का वहाँ पे शो अप नहीं होता है कि पेमेंट जो है कंप्लीट नहीं हुआ है करके, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ी देर तो वेट करना है। कई बार ये होता है, प्रॉब्लम होगा कई लोगों जो का होता है, ये मैं देखा भी हूँ, तो आपको थोड़ा वेट करना है। अगर नहीं हो रहा है 24 घंटे वेट करना, अगर नहीं हो रहा है तो वापस एक बार पेमेंट करना, और वापस पेमेंट करोगे तो वही है कि आपका अगर पैसा कटा हुआ होगा तो आपका रिफंड भी आ जाएगा। मतलब डबल पेमेंट करने के बाद में ऐसा नहीं है कि आपका जो है रिफंड नहीं आएगा, एक ही बार का आपका पेमेंट जो है वो ऐड होगा,
ठीक है, दूसरा आपका जो आपने अगर डबल पेमेंट किया तो दूसरा आपका रिफंड आ जाएगा। देन नेक्स्ट आपका अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या लिखा हुआ वो देखते हैं। हाँ, अभी इसमें ये जो 7 नंबर का पॉइंट, मतलब इसके नीचे ही आपका ये बोला गया कि आपको ये ध्यान देना है कि आप जब भी आप फॉर्म फिलअप कर लिए तो उसके बाद में आपको थोड़ा सा 2-3 दिन तक विंडो पीरियड होता है जिसमें आपको ध्यान देना है, अगर कोई करेक्शन वगैरह कराना है तो उस दिन आप करा सकते हो, तो इस वजह से थोड़ा ध्यान रखना है। देन 9 नंबर के पॉइंट अब यहाँ पे आपका जो है जानने वाला है। तो 9 नंबर के पॉइंट में अधिकतर जो लोग कैफे में भराते हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशली है, कैफे में आप लोग भराते हो तो कई लोग क्या करते हो, भैया आप अपना ईमेल डाल दो ना करके, तो ऐसा नहीं करना है, आपको खुद का ईमेल जो है देना है, ईमेल आईडी देना है, या नहीं बना है तो बना लेना, और उसका पासवर्ड ध्यान रखना और वो देना है, और मोबाइल नंबर भी खुद का ही देना है। अधिकतर जो कैफे में भराते हैं ये बहुत बड़ा गलती करते हैं, फिर बाद में उसका कोई, क्योंकि कैफे वाले के पास तो बहुत लोग आते हैं ना फॉर्म भरने के लिए, तो आपको ये चीज़ मेनली ध्यान देना है। खुद से फॉर्म भर रहे हो तो कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन आप कैफे वगैरह में जा करके फॉर्म भरा रहे हो तो ये मेनली आपको ध्यान देना है कि अपना खुद का देना है, ना कि कैफे वाले का डलवाना है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी चीज़ आपको मिलनी है, ठीक है, वो आपकी ईमेल आईडी और आपके फ़ोन नंबर पर आएगा इस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अपन बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंट्रक्शन में आपका बोला गया है कि क्या क्या चीज़ आप जब एग्जाम सेंटर में जाओगे तो क्या क्या चीज़ आपको लेके जाना है, वो आपको ध्यान देना है। तो ये आप, पहला तो आपका एडमिट कार्ड होगा, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, जिसमें आपका जो नाम है वो वेरीफाइड हो, तो ये पहले आपको आधार जो आपका एडमिट कार्ड है वो पहला हो गया। देन सेकेंड आपका क्या बोला गया है, सेकेंड आपका बोला गया है एक ट्रांसपेरेंट जो है आपको पेन लेकर के जाना है, ट्रांसपेरेंट हो, ऐसा नहीं कि जो जिसमें आपका ट्रांसपेरेंट ना हो, ऐसा पेन आपको नहीं लेना है, एक ऐसा पेन लेना है जो ट्रांसपेरेंट हो, सेकंड आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल पेन लेके जाना है। अब यहाँ पे आपको क्या है, एक जो है एटलीस्ट फोटो रखना है आपको अटेंडेंस शीट में वहाँ पे आपको देने के लिए, तो वो जो है आपका जो आपने अपलोड करने के लिए डाला है, ठीक है, वही फोटो आप लोगों को ले जाना है, तो ये भी आप ध्यान देना क्योंकि अटेंडेंस शीट में वहाँ पे लगता है। तो ये आपका हो गया, ये आपका जो थर्ड जो चीज़ है, तो आपको एक, कम से कम एक नहीं, मैं ये बोलूँगा कि 2 या 3 ले जाओ तो ज़्यादा बेटर है, आपका पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है वो। फिर अगर आप वाटर बॉटल भी है यहाँ पे आप ले जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी अलाउ है। और आपका जो लास्ट है, जैसे कि कई लोग होते हैं जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं, तो उनके लिए शुगर का जो टैबलेट है वो भी वहाँ पर आपका अलाउ है, तो ये आप जो है ध्यान रखना स्पेशली। फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर का जो पॉइंट है उसमें आपका ये बोला गया है कि जो जितने भी आयुष के कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इसी एग्ज़ाम के थ्रू जो आपका है, ठीक है, वो फिलअप होने वाला है। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं है पीजीटी के अलावा भी आपका एडमिशन हो जाएगा बिना एग्ज़ाम दिलाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। या एग्ज़ाम आप दिए हो, आप पास हो, तभी जा करके आप एलिजिबल रहोगे MSMD के लिए, जो आपका एडमिशन रहेगा जितने भी आयुष के कॉलेजेस हैं उसमें। फिर 3.4 नंबर का जो आपका पॉइंट है उसमें आप देखो, तो 3.4 नंबर का जो पॉइंट है उसमें बोला गया है कि NTA का सिर्फ रोल जो है यहीं तक है, एग्ज़ाम लेने तक है, काउंसलिंग में इसका कोई भी रोल नहीं है। काउंसलिंग में आपका जो AA CCC है उसका मेनली जो है रोल रहेगा काउंसलिंग के लिए, तो ये चीज़ अपन जो है बाद में डिस्कस करेंगे जब आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा तब। और फिर 4th नंबर का पॉइंट जो है वो अपन यहाँ पर जाते हैं, फिर इसके बाद में अपन जो है स्कीम ऑफ एग्ज़ाम ये अपन देख लेते हैं। तो आप लोगों को पता ही है क्या क्या है स्कीम 4th नंबर के पॉइंट में, तो पैटर्न आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये आप लोगों को पता ही है, 2 घंटा मिलेगा आप लोगों को टोटल, जो आपके MCQ बेस्ड रहेंगे जैसे कि आप लोग देखे ही हो। और साथ ही साथ अपन बात करें तो यहाँ पे आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 120 रहेगा, ये आपको पता है, वही है कि आपका जो 480 नंबर मिलेगा एक सही करोगे तो, और अगर एक गलत किए तो माइनस मार्किंग है, ये भी आपको ध्यान देना हो, और अटैम्प्ट नहीं किया हो तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से पता है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं यहाँ पे सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस में आप लोगों को पता है जितना भी आप UG में पढ़े हो, हिसाब से आप यहाँ पे लिखा है ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन, तो वो सब जो है आपके पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड रहेंगे, तो सिलेबस अथक है, ये आप लोग जानते ही हो। अब देखो ये 4.3 नंबर का जो है ना वो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला गया है इसमें कि आपका जो आंसर की है उसमें अगर चेंजेस हो रहे हैं, पहले आपका आंसर की कुछ और था और अभी कुछ अलग दिख रहे हैं, तो अगर उसमें आपका जैसे कि जो व्यक्ति उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उसी को ही नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया या वो कैंसिल हो रहा है, उसके मल्टीपल आंसर दे दिए हैं इस वजह से, तो उस कंडीशन में आपने छोड़ के आया है तो भी आपको आंसर मिले, आपको नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है, अगर आपने अटेम्प्ट किया है तब आपको नंबर मिलेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जो 6 नंबर का पॉइंट है उसमें। अब कई बार क्या होता है कि कई क्वेश्चंस रहते हैं जिसको हटाया जाता है अब किसी रीज़न के वजह से, तो उसमें आपको क्या है जो अटेम्प्ट जो किए हैं वो उन कैंडिडेट को, और जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया उन कैंडिडेट को, सभी को क्या है फुल मार्क मिलेगा, ये आपका 7 नंबर के पॉइंट में बोले गए हैं।
और यहाँ पे आपका लास्ट जो बोला गया है वो आपके यहाँ पे बोला गया है कि इन केस अगर जो ट्रांसलेशन है उसमें अगर कोई आपको इनकरेक्ट लग रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका क्या है, जो ट्रांसलेशन है उसमें से इंग्लिश वाले को ही फाइनल समझा जाएगा, ये यहाँ पे बोला गया है। तो देखो कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को जब, हाँ ये चीज़ मेनली ध्यान देना कि जब आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हो तो इंग्लिश में भी एक बार चेंज करके देख लेना, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो ऊपर में ऑप्शन आता है इंग्लिश में चेंज करने का, तो इंग्लिश में भी आप लोग एक बार चेंज करके देखना क्वेश्चन को, जहाँ पे आपको समझ में ना आए उसमें। भले आप कोई भी मीडियम जो है सेलेक्ट करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, बट ऊपर में ऑप्शन आता है, जब आप पेपर दिलाओगे तो आपको पता चल जाएगा, तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है। अब मेन चीज जो है वो है आपका जितना क्वेश्चन आया है वो है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी देख लो, ये ऑफिशियल में क्या लिखा हुआ है उसको भी अपन पढ़ लेते हैं। तो जिन्होंने पहले से, जिन लोगों का हो गया है तो उन लोगों के पास तो डिग्री हो गई, तो एक तो अगर आपने अभी किया है तो आपका जो है प्रोविजनल डिग्री होगा, और अगर आपने पहले से कर लिया है तो आपके पास परमानेंट डिग्री आ गया होगा, तो ये चीज़ है। और एक चीज़ है कि आपका जैसे कि आपका परमानेंट सर्टिफिकेट आ गया है तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आपका प्रोविजनल जो डिग्री है उसका अगर सर्टिफिकेट आ गया है, जैसे कि परमानेंट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोविजनल है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो सर्टिफिकेट, तभी क्या है आप एलिजिबल हो। और इसके अलावा 5.3 नंबर का जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे पॉइंट है उसमें बोला गया है कि इंटर्नशिप आपका जो पूरा 12 मंथ का जो कंप्लीट हुआ है उसका आपको जो है कंपलसरी आपको काउंसलिंग के टाइम में वो सर्टिफिकेट आपको जमा करना ही पड़ेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो है 31 अगस्त 2023 में जो लोग जो है आपका फॉल कर रहे हैं, ठीक है, वही जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर पाएंगे AIPGT 2023 में, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से मैंने एक वीडियो भी बनाया है प्रॉपर, आप लोग ने मेल नहीं किया है तो जाओ मेल करो, अगर आपका नहीं हुए हैं अभी तक कंप्लीट, तो मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा क्या चीज़ है। तो आपको NCISM प्रॉपर मैंने फॉर्मेट बता दिया है और साथ ही साथ NTA दोनों को मेल करने के लिए बोला है, अगर आपका 31 अगस्त 2023 तक नहीं हो रहा है तो ये चीज आप ध्यान देना याद से, जिन लोग का नहीं हुआ है उन लोग मेल करो, जिनका हो गया उन लोग एग्जाम तो आपको देना ही है। इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं वो आप लोग को पता ही है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे आप लोग को एक बार फॉर्म और दिखा देता हूँ कि देखो स्टार्टिंग जो फेस रहेगा, मतलब जब आप स्टार्टिंग में जब लॉग इन करोगे, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन वगैरह नंबर डाल करके, तो यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है, ठीक है। पहले आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद में अगर आप ध्यान दोगे उसके बाद में आपको जो है ये जो इंटरफेस है उसके बाद में आपके यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब चीज़ आपका डालना है जब फिलअप करोगे, ठीक है। उसके बाद में जब सबमिट करोगे, साइन अप पे करोगे, फिर नेक्स्ट पेज आपका जो खुलेगा उसके बाद में यहाँ देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका अभ्यर्थी का नाम वगैरह ये सब चीज़ आपको फिलअप करना है, ठीक है, जो जो चीज़ें बोली गई हैं स्टेट वगैरह। फिर उसके बाद में आपका आगे देखोगे तो फिर आगे इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सभी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद में आपका लास्ट में यहाँ पे अगर आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो गया है तो कंप्लीट करके शो अप होगा, इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट शो होगा, ये सिमिलर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सभी चीज़ें जो है आप लोग को देख सकते हो यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आप लोग को फिलअप करना है। पूरा फिलअप करने के बाद में लास्ट में जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो वो मैं दिखा देता हूँ, ये पूरे फॉर्म जो है आप देख सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ, जैसे आप फॉर्म भरोगे तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा। कन्फर्मिंग पेज इस टाइप का आपको दिखाई देगा, जो कन्फर्मिंग पेज है वो इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, कंफर्म पेज जो है इस टाइप को आपको प्रिंट आउट दो निकालने हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी, और जिन लोग बच्चे ऐसे कि 31 अगस्त तक नहीं हो रहे तो उन लोग NTA को और NCISM को मेल करो, जैसे ही न्यू नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए जो नोटिफिकेशन आया मैंने बता दिया कि 31 अगस्त तक ही बोला गया है नोटिफिकेशन में। तो ओके, थैंक यू।